So welcome back to Khan Education. In this video we are again going to learn about the polynomial. This is the part 3 of polynomial. So this is the famous book of R.S. Agarwal of class 9, where we deal with the exercise 2a of polynomial. Here you can see in few classes we deal with what is polynomial and its expression, algebraic expression, and types of polynomial on the basis of their power and terms. And also we also understand about coefficient of polynomial and terms of polynomial. So in this class we are going to deal with some problems related to the previous theories. Okay, so now I am going to take first question of this exercise. Let's see. तो आज हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल फेमस बुक के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में जो थ्योरीज पढ़ी थी उससे रिलेटेड है, ताकि आपको जो कंसेप्ट जो मैंने दिया है वो आपको और क्लियर होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से. तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. बोल रहा है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल. तो हम लोगों ने बताया था पॉलिनोमियल किसको कहते हैं. रिमेंबर द डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर. यानी जिसमें वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए. तो देखेंगे इसमें कौन सा जो है वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर 5 माइनस 2x क्यूब ओके प्लस एक्स प्लस 7. सो हेयर इज ए अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. यहाँ क्या है, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इसमें हम लोग देखेंगे ये वेरिएबल किस में है. इट इज़ वेरिएबल इन एक्स. ये एक्स में क्या है, एक वेरिएबल है. तो अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल पे पावर क्या है. तो वेरिएबल पावर यहाँ क्या है, एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 1 है. तो यहाँ वेरिएबल पावर जितना भी है 5, 3, 1, ये सब क्या, ऑल आर होल नंबर. ये सभी होल नंबर है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ ए पॉलीनोमियल. ये क्या है, पॉलीनोमियल है. ठीक है, ये एक पॉलीनोमियल है. ठीक है, और आगे देखेंगे क्वेश्चन 2 देखेंगे. वाई क्यूब माइनस रूट 3 वाई. वाई क्यूब माइनस रूट 3 वाई. ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है, वाई पे पावर 3 है और इधर रूट 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट और यहाँ वाई पे पावर 1 है. तो ये वेरिएबल इसमें वाई है. अब देखेंगे वेरिएबल पावर 3 होल नंबर, वेरिएबल पावर 1 ये भी होल नंबर. सो दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलीनोमियल. ठीक है, ये भी क्या है, पॉलीनोमियल है. अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ देखते हैं 5√z − 6. दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन. 5√z − 6. तो यहाँ देखेंगे वेरिएबल z है और z पे पावर क्या है, रूट मिले. तो हम लोग जानते हैं रूट को पावर में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, हाफ पावर होता है. हम लोग जानते हैं रूट को हाफ पावर कहते हैं. तो यहाँ z पावर हाफ, ये क्या है, इट इज़ नॉट ए होल नंबर, इट इज़ ए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर है ना. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 x माइनस 1/x. हेयर वी कैन सी द पावर ऑन x इज 1, बट दिस इज रिसिप्रोकल ऑफ x. सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट एंड मेक इट सिंपल. तो ये क्या है, यहाँ तो पावर x में 1 है और यहाँ जहाँ 1/x है, तो 1/x को हमको सिंपली लिखना पड़ेगा इस तरह से. तो कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ का रिसिप्रोकल लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में. तो 1/x को अगर हम रिसिप्रोकल लेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1. तो यहाँ तो x पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ माइनस 1 जो कि एक इंटीजर है. सो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल. ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन है 1√2x² − √2x + 2. क्वेश्चन नंबर 8 है 1√2x² − √2x + 2.
सो देख सकते हैं दिस इज वेरिएबल इन एक्स एंड द पावर ऑन एक्स इज 2, दिस इज ए होल नंबर, हेयर द पावर ऑन एक्स इज 1, एक्स पे पावर क्या है 1 है, दिस इज ऑल्सो ए होल नंबर। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पावर ऑन ईच वेरिएबल इज होल नंबर, यानी हर एक वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9, एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ देख सकते हैं पावर ऑन वेरिएबल है माइनस 2 एंड माइनस 1, दिस इज़ ए इंटीजर, पावर क्या इंटीजर है, होना चाहिए होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड विच अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और विच इज़ नॉट, यानी कौन सा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2, बोला राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जितने भी पॉलिनोमियल यहाँ पे इसका डिग्री लिखना है। डिग्री हम लोग बताए थे कि जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री। जैसे क्वेश्चन 1 लेंगे, 2 का 1 2x माइनस रूट 5, तो यहाँ वेरिएबल क्या सिर्फ x है, तो वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम, यहाँ तो और कुछ है नहीं, तो x पावर क्या है 1, तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ 1 है, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया, डिग्री इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x³, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x³, ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 3 है, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो यहाँ एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी 9 है, जैसा कि देख सकते हैं 9 है। अब देखेंगे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो 9 का डिग्री क्या होगा, 9 भी क्या है, पॉलिनोमियल है, जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है सिंपली तो जानते हैं इसका डिग्री 0 होता है, लेकिन इसको सिंपली समझने के लिए किस तरह से समझ सकते हैं, 9 × x⁻⁰, ठीक है। तो x पावर 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, किसी पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 9 × 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, है ना, सेम आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 0, तो हम लोग जान रहे हैं वेरिएबल पावर क्या है 0, सो कह सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। तो हमेशा याद रखना है द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, यानी किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है, 8x⁴ माइनस 36x प्लस 5x⁷, ठीक है। यहाँ देखेंगे मैक्सिमम पावर वैल्यू पे क्या 7 है ना, बाकी ये 1 है 4 है, तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज 7, है ना, डिग्री हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x⁹ माइनस x⁵ प्लस 3x⁻⁰ प्लस 8। तो यहाँ देखेंगे पावर ऑन वेरिएबल विच इज़ द मैक्सिमम पावर इज 10, तो 10 से बड़ा कोई पावर नहीं वेरिएबल पे, तो डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बताना है कोफिशियंट बताना है, ठीक है, सभी पॉलिनोमियल, जैसे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x³, ठीक है, प्लस एक्स पावर 4 है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है क्या कोफिशियंट होगा, किसका पूछ रहा है, x³ का। तो हेयर वी फाइंड, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द कोफिशियंट ऑफ x³ का कोफिशियंट क्या। तो x कोफिशियंट हमने बताया था कि किसी के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म रहता है उसको कहते हैं
यानी जो भी क्वांटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा उसे उसका कोफिशिएंट कहेंगे। तो एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस फाइव है, माइनस फाइव इंटू एक्स क्यूब है, तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। माइनस फाइव क्या हो गया, माइनस फाइव इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का पूछ रहा है, रूट थ्री माइनस टू रूट टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, माइनस टू रूट टू, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या, माइनस टू रूट टू, तो कोफिशिएंट हो गया माइनस टू रूट टू इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट हो गया माइनस टू रूट टू। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है पाई बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई थ्री, सो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के वन में बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27, यानी एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फोर में देखेंगे बाइनोमियल किसको कहते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, वैसे पॉलिनोमियल इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, टू, उसको कहते हैं बाइनोमियल। तो हम लोग देखते हैं, तो दो टर्म लेना और डिग्री 27, यानी मैक्सिमम पावर 27 होना चाहिए, तो एक्स पावर 27 प्लस 3, यहाँ टर्म दो हो गया और पावर भी कितना हो गया, डिग्री 27 हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री 27 है और एक बाइनोमियल है ना। दूसरा देखते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 16, यानी एक मोनोमियल का एग्जांपल लेना है जिसका डिग्री 16 हो, तो मोनोमियल में एक टर्म होता है ना, तो लिख सकते हैं एक्स पावर 16 है ना, या फिर वाई पे पावर 16, यानी एक मोनोमियल लेना जिसका सिर्फ एक टर्म हो और डिग्री 16 होना, यानी मैक्सिमम पावर 16 दिखाना है, तो एक हो सकता है एग्जांपल एक्स पावर 16 लिख सकते हैं या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एज योर चॉइस। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी ट्राइनोमियल लेना जिसमें तीन टर्म हो, एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ तीन टर्म है और डिग्री भी 3 है, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल हैविंग 3 डिग्री। हम लोग देखेंगे क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी इसमें डिग्री के हिसाब से बताना है कौन सा है पॉलिनोमियल। तो पहला देखते हैं फिफ्थ नंबर का फर्स्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है ना, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना, टू, तो जिस पे मैक्सिमम पावर टू होता है उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, सॉरी क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक उसको कहते हैं ना इस पर वेरिएबल पावर मैक्सिमम टू होता है, यानी डिग्री जिसका टू होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट देखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ डिग्री कितना है, थ्री है ना, तो ऐसे पॉलिनोमियल कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, जिसमें डिग्री थ्री होता है उसको कहते हैं क्यूबिक। नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल, एक है माइनस जेड प्लस सेवन प्लस जेड, फोर नंबर माइनस सेवन प्लस जेड, यहाँ वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर वन है, तो ऐसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, यानी ये क्या है, लीनियर, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ विद लीनियर है, फाइव टी है ना, फिफ्थ नंबर है फाइव टी, तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम पावर वन है टी पे, ये हो गया लीनियर, ये भी लीनियर है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज टू ए देखा है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री के बारे में है ना, कोफिशिएंट के बारे में, और देखा बाइनोमियल और मोनोमियल पॉलिनोमियल जितने भी मतलब टाइप्स है ना उसके बारे में देखा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।